काम पर लगो, मालिक का हंटर भूल गए तुम लोग। और तेरा चाचा कहाँ है? नशे में पड़ा है। रात की पी हुई का नशा दिन में रहेगा तो काम उसका मरा हुआ बाप आके करेगा। हुँ? काम तो हाथ ही लाना था तो उसके भतीजी ने कर दिया। बैठ, बैठ। लो संभालो उसे। जा राजा, तबीयत से काम कर, मैंने तो कल तेरे ऊपर चढ़ूंगी नहीं। हाँ? अरे लल्लू और रामू, बेटे झगड़ू और तमाम बच्चे प्रगति में ले जा रहे हैं। सामान चलेगा, काम बहुत बाकी है। ए गुलाबी कहाँ रे? आगे सर। अच्छा जी, है? अब बोल, अब बोल, अब चाहे तू आगे कहे चाहे पीछे, मगर जाऊंगा तेरे साथ, छोड़ूंगा नहीं। अरे छोड़ो। अरे चली गई झमक के। चलो चलो काम पर लगो, मालिक का अंतर याद नहीं? मालिक का अंतर तुम याद करो और इन लोगों को याद कराओ। मैं तो बस गुलाबी के नखरे का खंजर याद रखता हूँ। अरे राम राम, बेचारे की नई नई शादी हुई थी। हुई थी तो क्या हुआ, यहाँ कोई नई बात तो है नहीं, यहाँ तो रोज यही चलता है। मालिक, मालिक, मालिक। काम क्यों रुका है? वो रखू लट्ठे के नीचे दब गया। मालिक तुम तो नहीं दब गए, किससे पूछ के रुका है काम तुम लोगों ने? मगर वो जान से मर गया है मालिक। मर गया तो क्या हुआ, जो पैदा हुआ मरेगा नहीं क्या? दुनिया उनके लिए है जो जिंदा है। ऐसा तुम इसलिए कहते हो मालिक कि तुम अकेले हो, तुम्हें किसी का दुख दर्द नहीं मालूम। ठीक है मालिक, लोग तुम्हारे हुक्म पे मरते हैं, अपनी जान देते हैं, फिर भी तुम्हें किसी की फिक्र नहीं। खामोश। ऐसी बातों से कभी कभी कलेजे में आग लग जाती है। अरे भाई, हमें इन बातों से क्या मतलब, अपना तो भगवान राजा माई बाप जो है सो मालिक है, वो जो करे सो अच्छा। क्या अच्छा है, जो आदमी को आदमी नहीं समझता है, कोई मारे जिए परवाह नहीं करता है। अरे भाई, कलेजे से भी तो वही लगाता है, क्यों भाई? हाँ, तो कौन सा कमाल करता है, जानवरों की तरह से काम भी तो लेता है। तुम्हारे लिए ये बेचारी रो रो के बेहोश हो रही थी। पोतलों का रोना देखा आपने, हमारे आंसू नहीं देखे। रामू, इधर आ, इधर लग जा सीने से, तू भी लग जा।
प्यार तुम्हें करूं और मारने जाऊं किसी और को? मालिक चलो अपने साथ इस रसीली रात को मत रुलाओ, खाओ पियो और जियो। चलो फोन पसीना। क्या बात है मालिक, मालिक। इसे कहते हैं मालिक, अरे रुलाता है तो हंसाता भी यही है। कमाल है भाई मालिक का, दिन को कुछ और रात को कुछ। गुलाबी के चाचा पीने तो आ गए मगर भतीजी कहाँ छोड़ आए? अरे तेरी नाक की नकेल के लिए रस्सी ढूंढने गई होगी। भैयो खाओ पियो। घूम 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 के ओ गाओ झूम 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 के यारो कम से कम सारे दिन का गम भूलो प्याला चूम के। जमाने को शाम से ले हम जैसे इमरतों का काम है, झूम जाना मोहब्बत के नाम पे ले हम जैसे इमरतों का काम है। आज खाओ पियो बस यूं ही जियो। घूम 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 के ओ गाओ झूम 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 के यारो कम से कम सारे दिन का गम भूलो प्याला झूम के। जिंदगी में ले तू भी पी। अरे छी चाची, एक पाप हो जाएगा तो सजा हम भुगत लेंगे तुम्हारे बदले भगवान के यहाँ। लो थोड़ा सा। अरे जरा शर्म कर शर्म बेहया, प्रभु मर गया और तुम लोग धूमधाम से मौज उड़ा रहे हो। जो गया सो गया चाची, मरने के बाद क्या रोना। रघु बहादुर था, वो काम करते करते शान से मरा है, उसके लिए रोना बेकार है। अरे तू पत्थर है, जानवर है, तू क्या समझेगा दूसरे के दुख दर्द। अरे चाची, आदमी पैदा होता है ये मरने के लिए, लेकिन जब तक जिंदा रहे, जिंदा तो रहे जिंदगी के साथ। अरे बस बस, ये बातें तो अपने लिए रख। चल बेटी, इन जानवरों के सामने रोने से कोई फायदा नहीं, चल। तू बात तो ठीक कहती है चाची, यहाँ कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता, लेकिन मैं तेरे लिए करूँगा। अरे जाजा, तुम सब एक ही पेड़ के पत्ते हो। लेकिन पत्तों में भी फर्क होता है। वो अभी तक आया क्यों नहीं? जाओ उसे पकड़ के लेके आओ। अभी कोई पैदा ही नहीं हुआ है मुझे पकड़ने वाला इस दुनिया में। क्या काम है मुझसे? तो तुम हो यहाँ के मालिक? सो तो तुमको मालूम है, लेकिन तुम कौन हो? मैं फॉरेस्ट ऑफिसर, मुझे पता चला है कि यहाँ काम करने वाला एक आदमी मर गया है।
कौन सी नई बात हो गई? जानते हो, तुम्हें उसके घर वालों को हर जाना देना होगा। हर जाना देना होगा? दुनिया में हजारों आदमी रोज मरते हैं, उनका हर जाना कौन देता? तुम? मैं यहाँ इसलिए नहीं आया हूँ कि तुम्हारे फालतू सवालों का जवाब दूँ। तो क्या तुम मुझे सिखाने आए हो कि अपने काम करने वालों के साथ मुझे क्या सलूक करना चाहिए? मैं नहीं सिखाऊंगा, तुम खुद सीख जाओगे। सिपाही, उस औरत को बुलाओ। चलो साहब, बुलाते। हाँ हाँ, जाना मांग ले हर जाना, जितना मांगेगी उतना मिलेगा। आज मालिक को आदमी की जान से खेलने का मजा मिलेगा। यही है वो आदमी जिसकी वजह से तुम्हारे मर्द को जान से खेलना पड़ा। मालिक, अरे ये क्या कहते हो सरकार, ये तो हमारे भगवान है। इन पैरों में तन की खाल उतार के जूती पहना दूं, वो भी कम है। मरना जीना तो तकदीर से होता है। पर जो चला गया उसका हर जाना तुम क्या दुनिया में कोई भी नहीं दे सकता। और तू बटाने आए हो तो सुन लो, रात को ही मालिक ने इतना पैसा दे दिया है तो मुझे चार जन्म में फिक्र करने की जरूरत। मेरा हंटर, ये आदमी है या फरिश्ता? हाँ सरकार, हमारे लिए तो ये फरिश्ता ही है, भगवान समान है। मैं पहले ही जानता था कि जरूर हम ही में से कोई बेईमान बन गया है। उसी ने हम जंगली को आदमी बनाया, जीना सिखाया। हम उसके एक इशारे को अपनी जान तक दे सकते हैं। आप नहीं जानते सरकार, उसे मैंने ही इन हाथों से पाल पोस कर बड़ा किया और अब वो हम सबको पाल पोस रहा है। नहीं तो सच्ची सरकार, उस दिन मैं भी नहीं जानता था कि देहरादून से भाग कर आया हुआ ये मासूम लड़का हम जंगलियों के साथ रहकर और हमारे लोगों के बीच से निकल कर एक दिन यहाँ का राजा बन जाएगा। देहरादून से भाग कर आया हुआ? हाँ सरकार, देहरादून से आया था और जरूर किसी ऊंचे खानदान का लड़का मालूम होता है। अपना नाम अमर बताता था। सरकार, अगर ऐसे 10-20 आदमी दुनिया में और हो जाए तो किसी को कोई दुख तकलीफ ना रहे, सब सुख से रहे, खाए पिए और जिए। देहरादून से भाग कर आया हुआ अमर? लेकिन श्यामलाल, अमर अब तुम्हारा वो लड़का नहीं रहा, अब वो वहां का राजा है। राजा, सारे जंगल पे उसका रूप छाया है। हाथी घोड़े आदमी सब उसके इशारे पर चलते हैं और वहां के लोग उसे भगवान मानते हैं, भगवान। अच्छा हाँ, क्यों नहीं होगा भैया, आखिर शेर की औलाद शेर ही हुआ करती है। अमर मेरा बेटा, अपनी तारीफ अपने ही मुंह किए जा रहे हो। ये न कहोगे कि तुम्हारे खोए हुए बेटे को ढूंढ निकाला? वाकई भैया, जो सबसे बड़ा एहसान हो सकता है वही तुमने मुझ पर किया। अब मेरी मुराद पूरी होगी। मैं अब भी जाकर माला की माँ से तेरी बात करता हूँ। अब तो संघन बनाकर ही छोड़ूंगा उसे, जो सोचा था वही हुआ। हो, मैंने कहा था ना, शेर का बच्चा कभी घास नहीं खाता, वो भी मेरी तरह शेर बनके ही रहेगा। क्या मतलब, क्या अमर का कुछ पता लगा आपको? अरे हाँ, मगर बाबा क्या शान से रहता है, जंगल का बादशाह। हजारों आदमी सलाम करते हैं, हाथी तक उसके सामने सर झुकाते हैं, मगर मुझे उसकी धन दौलत से क्या मतलब। मैं तो बस यही चाहता था कि मिल भर जाए, बड़ी धूमधाम के साथ उसकी शादी ब्याह कर दूं, बस हो गया मेरा काम खत्म। यही तो मेरा भी अरमान है। आपने उसके लिए इतना किया, पढ़ाया लिखाया, अब उसके हाथ पीले हो जाए तो मेरे सर का बोझ हल्का हो। लेकिन क्या अमर हमारी माला से शादी करने को राजी होगा? इससे पहले पूछने से काम बिगड़ जाता है। तुमने बिल्कुल ठीक कहा। पर बुआ जी। अरे तेरी बुआ जी से सब बातचीत हो चुकी भाई, चल चल तू जाने की तैयारी कर। का सेवक हनुमान, वैसा मैं अपने मालिक का सेवक बजरंग। मेरा नाम बजरंग है, बजरंग। ठीक है, सामान तो उठा के लाओ। आओ बेटी। ना 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 ना, ना, ना। घर में, इस घर में घुसने का हुक्म नहीं है। तुम अजीब बदतमीज आदमी हो, बात करने भी नहीं आती। हम इतनी दूर शहर से आए हैं, अब इस जंगल में जाएं कहां? राम कसम, इस जंगल में मंगल मनाना सबके तकदीर में नहीं होता। आप सचमुच दशरथ है, बाद में अयोध्यापुरी आके मिलना। इस वक्त मेहमान वाले कोठी में जाके ठहरो, चलो मैं दिखाता हूँ।
देखो, नौकर ने जो आव भगत की उससे मालिक के स्वभाव का अंदाजा आसानी से लग सकता है। अरे क्यों इन फालतू बातों में दिमाग खराब करती है, चल अमर को तो आजान दे पहले, फिर देखा जाएगा। बेटा चलो ना। गुलाबी अमर मेरा बेटा। ये है आपका बेटा? हाँ
अब तू जा गुलाबी। एक दिन तो आ जाना दे ऊपर। तेरी सरहद वहीं तक है। पत्थर कहीं की, लेकिन मैं भी एक दिन पत्थर को पानी बनाकर ही छोड़ूंगी। तुम औरत की जात को अभी नहीं जानती। वतन, तुम इतनी जल्दी फिर आ गए शहर से? यार वो एक जरूरी काम से आया हूँ। वो जो नया ठेका लिया ना, उसके काम की बात दिन को, रात होती है आज के लिए। तुमने फिर पीनी शुरू कर दी? छोड़ी कब थी? अरे तुम्हारे इस पीने पिलाने में कुछ नहीं रखा है अमर। आदमी बनो आदमी। आदमी में सिर्फ दो ही कमाल होने चाहिए, दो, मन साफ और इंसाफ। मैं किसकी कमी है? ले पी। मैंने अभी शराब पीनी शुरू नहीं की और ना ही करूंगा, लेकिन तुम एक दिन इसी में डूबोगे। अरे यार दुनिया डूबेगी तो हम भी डूब जाएंगे। अमर देखो मदन, ये सिर्फ तुम्हारी हिम्मत है इसलिए कि तुम दोस्त हो, लेकिन यार कभी तो दोस्ती निभा। अपना तो असूल है, खाओ पियो और बर्बाद हो जाओ और जियो। अरे वाह वाह वाह, तो जंगल में मंगल कर रखा। लेकिन अमर कहाँ है? अमर, अमर बेटा, आप अमर के पिताजी हैं? हाँ। लेकिन आप यहाँ कब आए? आपको यहाँ नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं? मैं अमर का बाप हूँ भले आदमी। बाप हो चाहे बाप के बाप, मगर आए खूब मौके से। अमर तुम हमेशा बीच में टपक पड़ते हो। अरे भाई ये मेहमान बाप बन के आए हैं और मेहमानदारी करना अपना फर्ज। यहाँ का रिवाज है खाओ पियो और जियो। अमर बेटा तुझे ये क्या हो गया? कुछ नहीं। कुछ नहीं, मैं कैसे यकीन करूं? मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरा बेटा ऐसा निकलेगा। तो साबित हो गया कि मैं तुम्हारा बेटा नहीं। अमर बेटा तुझे शर्म आनी चाहिए। नहीं आती। नाश था, फेंक दो नाश को। मैं जानता हूं इस तरह की बातें तू क्यों कर रहा है, लेकिन सुन मेरे पास हा बेटा, बीती हुई बातों को भूल जा। जो बीत गया उसे मैं पहले भूल चुका हूं। मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में, ना माँ है ना बाप। मैं बिल्कुल अकेला हूं और अकेला रहना चाहता हूं। मेरे सब रिश्ते उसी दिन टूट गए थे जब मैंने कुल्हाड़ी उठा के एक लट्ठे को दो हिस्सों में काट फेंका था। तू कुल्हाड़ी से लट्ठा काट सकता है, लेकिन खून नहीं काट सकता। ये मत भूल अमर कि मैं तेरा बाप हूं। बाप कहलाने का हक उसे होता है जो औलाद को पाल पोस के बड़ा करता है। पैदा तो ये तू ले ही तेरी शराब बोल रही है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तू इतना गिर चुका है। गिरा था मगर अब गिर के उठ चुका हूं, लेकिन तुम्हारा वो थप्पड़ मैं कभी नहीं भूल सकता। कभी नहीं भूल सकता कि तुमने बाप का फर्ज कभी नहीं निभाया। कभी नहीं भूल सकता कि तुमने मुझे भी बेटे का फर्ज नहीं निभाने दिया है। तुमने हमेशा आदमी से ज्यादा पैसे को माना है। बताओ कितने पैसे चाहिए तुम्हें? ले जाओ जितने चाहिए और चले जाओ यहां से, और जिंदगी भर के लिए भूल जाओ कि मैं तुम्हारा बेटा। अमर, 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 तू सोचता है कि मैं तेरे पैसे के लिए आया हूं? मैं यहां आया था अपने खोए हुए बेटे को पाने के लिए। तू जंगली जानवर, तू कौन होता है रिश्ता तोड़ने वाला? मैं भी आज रिश्ता तोड़ता हूं। अब मुझे तुझसे कोई वास्ता नहीं, ना मैं तेरा बाप ना तू मेरा बेटा। मैं तेरी शक्ल नहीं देखना चाहता, तेरा नाम भी नहीं सुनना चाहता। बेटे का कोई हक अब तुझे मुझसे नहीं मिलेगा। मैंने हमेशा के लिए तुझे छोड़ दिया, तुझे त्याग दिया। मैं अब तेरे हाथ का पानी तक नहीं पीऊंगा। मैं छोड़ दीजिए आप, बेहोश हो गए, इन्हें यहां से ले चलना चाहिए। अब कैसे हैं पिताजी? आपको जानने की क्या जरूरत? बात इतनी बढ़ जाएगी इसका मुझे कतई अंदाजा नहीं था। जो तहजीब नहीं जानते ऐसे जंगली लोगों से और उम्मीद क्या की जा सकती है?
वो मेरा दोस्त है, इसलिए उसके लिए मैं आपसे। जिसने अपने पिता के साथ ऐसा सुलूक किया, आप उसके दोस्त बनने का दावा करते हैं? आप मुझसे कुछ भी कह सकती हैं, मगर मेरे दोस्त के बारे में आपकी जो राय है उसे शायद आप बदल देंगे जब असलियत सुनेंगे। जो देखा और सुना उसके बाद बाकी क्या रह जाता है? किसी के बारे में कोई राय कायम करने से पहले ये जान लेना जरूरी है कि वक्त और माहौल का असर आदमी को क्या से क्या बना देता है। क्या मतलब? आप उसके इस बर्ताव के पीछे छुपे हुए राज को शायद नहीं जानते। कभी कभी एक छोटी सी बात भी दिल पर बहुत गहरा असर छोड़ जाती है। खुशी और उमंग से भरा हुआ मस्ताना बचपन, अपनी दुनिया, अपना अंदाज, अपने ख्याल, इसी उम्र में जिंदगी की बुनियाद पड़ती है। मैं आपको कहानी नहीं, हकीकत सुना रहा हूं। आदमी सब बराबर। बराबर कैसे? अमीर ना दे तो गरीब की दवा कैसे है? क्या वो 20 रुपए के लिए मर जाए? कौन बीमार? किसकी दवाई? मेरा बापू बीमार है। डॉक्टर ने दवाई और सुई के लिए 20 रुपए मांगे। मैं बड़े मालिक के पास गई तो उन्होंने मुझे धुतकार दिया। अगर रुपए न मिले तो मेरा बापू फिर तुम्हारी माँ की तरह मुझे अकेला छोड़ के भगवान के पास चले जाएंगे। 20 रुपए के लिए? मजाक है क्या? आदमी की जान कुछ नहीं, रुपए सब कुछ। चल मैं तुझे देता हूँ। ये क्या करते हो? बड़े मालिक से कहे बिना उनके रुपए निकाल लिए? ये तो चोरी है हमारे भैया। जा जा, चोरी क्या सब जानती है? चोरी क्या होती है? सबकी आंख बचाकर बिना किसी से कहे अपने मतलब के लिए चीज लेना चोरी। यहाँ तो तू है भगवान है। देख भगवान, तू मेरा साक्षी है, मैंने चोरी नहीं की। मैंने तेरे सामने तुझसे बोलकर दूसरे की भलाई के लिए रुपए निकाले। कुछ गड़बड़ हो तो तेरा जिम्मा। अब तो ठीक है ना? ले जा जल्दी से डॉक्टर को दे दे जाके। सब नहीं, 20। अच्छा 20 ले बस। भगवान मैंने ठीक किया ना? नोट? ये नोट कहाँ से मिले? आपकी जेब से निकाले। अभी से ये आदत? मैं चोरी की? चोरी नहीं तो? ऊपर से झूठ बोलता है। मैं सारी उम्र पैसा बताता रहा और तू अभी से उड़ा नहीं लगा। इसलिए आज आपने मुझे मारा। खामोश, जवाब देता है। फिर कभी ऐसी हरकत की तो तेरी बोटी बोटी अलग कर दूंगा। जब खुद कमाने लगेगा तब पैसे की कीमत मालूम होगी। 2 दिन तेरा इस कमरे से निकलना बंद। तुम कैसे भगवान? तुम्हारी साक्षी और तुम ही चुप है। मुझ पर मार पड़ी, चोरी का नाम लगा, झूठा बना और तुम देखते ही रहे। ठीक है, तुम इसी में खुश हो तो ना मैं तुमसे बोलूंगा ना पिताजी से। सबसे रिश्ता खत्म। अब आप ही सोचिए, जिसने जिंदगी में घर बार, नाते रिश्ते और अपने पराये को कभी महसूस नहीं किया, वो आदमी अगर जानवर बन जाए, पत्थर बन जाए तो उसमें किसका कसूर है? कसूर है हमारा, आपका, हम सबका, जो तहजीब और इंसानियत का दावा करते हैं। क्या ये हमारा फर्ज नहीं कि हम उसे अपनाएं, कबूल करें, जो कुछ उसे नहीं मिला वो उसे दें? माला, माला, देखी? क्या मैं अभी तक उस नालायक के छत के नीचे हूँ? चाचा जी नहीं नहीं बेटा, अब मैं यहाँ एक मिनट भी नहीं रह सकता।
चाचा जी, ये आप क्या कह रहे हैं? तूने ठीक कहा था बेटी, ऐसा लड़का बाप के लिए अपमान है। आपने भी तो ठीक कहा था चाचा जी कि गिरे हुए को उठाने वाले हाथों की जरूरत होती है। वो सब गलत था बेटी, सब गलत था। वो इंसान नहीं, जानवर है, जानवर से भी बदतर है। जानवर को फिर से आदमी बनाने के लिए टूटा हुआ रिश्ता जोड़ा जाता है चाचा जी। अब हमारा फर्ज है कि हम उसे फिर से इंसान बनाने की कोशिश करें, उसे प्यार दें, ममता दें, उसे ये एहसास होना चाहिए कि उसका भी कोई अपना है। नहीं नहीं, अब मैं उसके बारे में कुछ नहीं सुनना चाहता। पर तू क्यों घबरा रही है बेटी? मैं तुझे अपनी बहू नहीं बना सका, लेकिन तू मेरी बेटी तो है। मैं तेरी शादी बड़े धूमधाम के साथ किसी बहुत अच्छे लड़के से कर दूंगा। चल अब हम यहाँ से चले। बेटा, इस बूढ़े पे क्या तुम भी इतनी दया नहीं कर सकते? नहीं नहीं नहीं, गुलाबी मैं तो डूब जाऊंगा गुलाबी, लेकिन तुझे डुबा के ही छोड़ूंगा। गुलाबी तुम अभी तक यहाँ हो? मैं यहीं रहूंगी। तुम यहाँ नहीं रह सकती। मैं फैसला कर चुकी हूँ। यहाँ मेरा फैसला चलता है। मैं नहीं मानती। जो नहीं मानता उसे मानना पड़ता है। चली जाओ यहाँ से। बस खोलो। नहीं खोलती, हिम्मत हो तो तोड़ दो।
चलानी आती है? फेंक दो रिवॉल्वर। चले जाओ यहां से। मुझे हुक्म सुनने की आदत नहीं है। आदत बनाओ। मैं कहती हूं आगे मत बढ़ो। आगे बढ़ना ही सीखा है मैंने। मेरे हाथ में पिस्तौल है। देख रहा हूं। इसमें अभी भी गोलियां हैं। जानता। और वो तुम्हारे लिए, लेकिन तुम एक मामूली चीज हो, लड़की, इसलिए मौका देता हूं, भाग जाओ यहां से। भाग जाओ। एक अब तो इसी प्रकृति में हमेशा के लिए मिल जाने का अरमान है। अब फिर मैं एक मामूली चीज, एक लड़की, अब क्या करना है जीकर मुझे? तो तीन गिनने से पहले नहीं मार सकते क्या? मार दो, तुम्हारी पिस्तौल की गोलियां मेरे लिए फूल बन जाएंगी। तुम में तो हिम्मत की कमी नहीं है। मैं हाथ जोड़ती हूं, मार दो। हे भगवान, हे गड़गड़ के वासी, द्रौपदी को दुर्योधन से बचाया, सीता को रावण से बचाया, अब तुम कहां सो रहे हो? अगर तुम्हारी जगह मैं किशन भगवान बन जाता तो मालिक के हाथ के पिस्तौल को सुदर्शन चक्र से अभी उड़ा देता। अरे बचाओ, बचाओ, बचाओ। बजरंग, बजरंग, क्या हुआ तुम्हें? क्या अभी तक तुम जिंदा हो? बीबी जी मरी नहीं। मैंने तो बहुत चाहा, पर तुम्हारा मालिक मार ही नहीं सका। क्या बात करती हो, हिम्मत ही नहीं उसमें। कमाल है, मालिक ने पिस्तौल, तानी और गोली नहीं चलाई। ऐसा न कभी देखा है न कभी सुना है। जरूर तुमने कुछ जादू की है। हे जादूगर भी, तुम्हारी जय हो। अब मैं तुमको कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम जो कहोगी वही मैं करूंगा। अब मैं समझ गया, पत्थर को तुम ही एक पिघला सकती हो। राम कसम, राम कसम, राम कसम, सीता कसम, हनुमान की धूम कसम। तुम यहां क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? मैं तुमसे सवाल कर रहा हूं। मैं भी तुमसे सवाल कर रही हूं। आई हो लेकिन घोड़ा चलाना भी आता है? दिखता नहीं, जो कुछ तुम कर सकते हो वो मैं तुमसे 10 गुना अच्छा कर सकती हूं। ये तूफान है, उठा के फेंक देगा। तुम्हें देख चुकी, तुम्हारे तूफान को भी देख लूंगी। अच्छा, ये ना सोचो कि भगवान ने तुम्ही को सब कुछ बनाया है। टेढ़ी चीज को सीधा करने वाला भी वही बनाता है। तुम मुझसे मुकाबला करना चाहती हो? नहीं, मैं तुम्हारा घमंड चूर करना चाहती हूँ। Thank you.
मालिक मालिक गजब हो गया, धरती आसमान पर जा गिरी, कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत हो गया। देखो देखो मेरे रूंगटे रूंगटे खड़े हो गए। क्या हुआ? हुआ क्या, बीबी जी की हड्डी बसली टूट के चकनाचूर हो गई। उसको उठा के फेंक दो। ये क्या कह रहे हो मालिक? राम कसम, जो रावण ब्राह्मण से राक्षस बन गया था उसे प्रभु रामचंद्र जी ने सजा दी थी, और जिस तूफान ने पागल बन के ये जुलूम किया उसको तुम कुछ नहीं करोगे? उसके पैर में मैं सोने की नाल जड़वाऊंगा। सोने की नाल जड़वाऊंगा? हाय राम राम कसम, मैं कहां जाके मालिक मालिक तूफान मालिक तूफान बेकार हो गया मालिक। क्या हुआ उसे? लंगड़ा हो गया मालिक, उसका पैर टूट गया है। गोली मार दो उसे। तुम ऐसा नहीं कर सकते, हट जाओ, डराना किसी और को। नहीं, मैं उसे मरने नहीं दूंगी। उसने मुझे गिराया है, तुम्हें क्या हक है उसकी जान लेने का? जीने का भी हक नहीं है किसी बेकार पहच को। लो। हाँ राम, लेकिन गोली मारने से पैर कैसे ठीक होगा मालिक? जैसा कहा वैसा करो। हाँ। नहीं जाओ। जिंदगी दे नहीं सकते तो खत्म करने वाले कौन होते हो तुम? तुम जिंदगी जैसी अनमोल चीज को खिलौना समझते हो। तुम्हारे दिल नहीं, तुम इंसान नहीं, जानवर हो, पत्थर हो। भगवान, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था जो इन हाथों से अपने प्यारे को गोली मारनी पड़ी? ये धरती कट, दोनों हाथ कट करके उसमें समा जाए, लेकिन मैं क्या कर सकता था? जिंदा है मेरा, मैं उसे जान से भी ज्यादा प्यार करता हूँ। तुम और प्यार? तूफान जी सुनेगा तो हंस देगा। लाला ठीक हो गया तूफान? क्या जादू किया तुमने उस पर? जादू आता तो सुन पर न करते। ये सिर्फ प्यार है, किसी को गोली मारकर खत्म करना आसान है, लेकिन उसे प्यार और मोहब्बत कायम रखना मुश्किल होते हुए भी इंसान का फर्ज है। ये तुम किस प्यार की बात कर रहे हो? जो न तुमने की और न किसी ने तुमसे किया। तुम तो सिर्फ बंदूक और हंटर पर भरोसा रखते हो। काम लेने के लिए बंदूक और हंटर जरूरी है? तुम्हारे तो कुछ नहीं जानती। तुम कुछ नहीं थे। आदमी का बड़ापन इसको खत्म करने, मिटाने और बर्बाद करने में नहीं, बल्कि उसे बनाने और कायम रखने में है। भगवान आदमी को बनाता है, लेकिन ये आदमी के बस में है कि चाहे वो इंसान बने चाहे जानवर। मैं ये भगवान और इंसान की बात तो नहीं समझता, लेकिन ये समझता हूँ कि तुमने कुछ कमाल करके इस तूफान को ठीक जरूर कर दिया। इसमें कमाल कैसा? जो बेरहम पत्थर है उसे बनी हुई चीज मिटाकर बर्बाद करने के सिवा कुछ नहीं आता। तुम्हें नहीं मालूम, प्यार में बहुत बड़ी ताकत होती है। जो कमजोर जुल्म से नहीं होता वो प्यार और मोहब्बत से हो जाता है। ये प्यार तुम मुझे सिखाओगी? मैं? कल को कहीं तुम मुझे ही प्यार करने लगे तो क्या? नहीं नहीं, मेरे पैर में कहीं मोच आ गई तो तुम मुझे भी गोली से उड़ा दोगे। माला, तुम तो सिर्फ मतलब ही प्यार जानते हो, लेकिन हुक्म से प्यार नहीं मिलता। प्यार मिलता है प्यार से। तुम सिर्फ अपने आप को ही प्यार करते हो, अपने घमंड को, अपने जानवरपन को। उसे छोड़कर दूसरों का दुख समझना सीखो, तभी प्यार पा सकोगे, प्यार कर सकोगे। ये सब मैं कुछ नहीं समझता। बंद करो ये हंटर। अभी तो चार हंटर मारना बाकी है मालिक। आज से हंटर मारना बंद। प्यार में बहुत बड़ी ताकत है। जो काम प्यार और मोहब्बत से होता है मार से नहीं होता। दूसरों का दुख समझना सीखो, तभी प्यार पा सकोगे। क्या है मालिक?
हंटर देखा है? देखा मालिक, इस हंटर की हवा से तो सारा जंगल कांपता है। राम कसम, मुझे तो छठी का दूध याद आता है। ये ले। नहीं मालिक, अपनी जान फांसी के फंदी में कैसी फंसाऊं? राम कसम, हाथ जोड़ता हूँ, पांव पड़ता हूँ, बेमौत मर जाऊंगा। पिछली मार की दर्द से याद आती है तो मैं अभी तक कांपता हूँ। तब से मैंने कोई गलती भी नहीं की। हाँ, एक बार छोटा सा झूठ बोला था और एक दफे लड़की की तरह देख के मैं हंसा था, लेकिन मुझे माफ कर दो मालिक। मैं कान पकड़ता हूँ। मालिक, मेरी कुछ गलती नहीं है। सचमुच मेरी कुछ गलती नहीं है। अरे, अपने हाथ से खुद को नहीं, मुझे मार। राम कसम, क्या बोल रहे हो मालिक? हनुमान राम जी के ऊपर हाथ उठाने का कभी सोच भी नहीं सकते। राम कसम, हम दोनों में से जरूर कोई एक पागल हो गया है। बजरंग, मैं हमेशा लोगों को मारता रहा और हमेशा उन्हें तकलीफ पहुंचाता रहा, लेकिन मुझे ना कभी किसी ने मारा है और ना मैंने खुद कभी तकलीफ सही है। मैं देखना चाहता हूं कि दर्द सहकर आदमी पर क्या बीतती है। नहीं नहीं मालिक, चाहे मेरी बोटियां काट करके फेंक दो, पर ये पाप मुझे नहीं होगा। बजरंग, मैंने इस हंटर से सबको मारा है, तुझे भी मारा है, लेकिन क्या हक है मुझे दूसरों को दुख पहुंचाने का? मालिक, आदमी और जानवर में क्या फर्क है? जब तक इस हंटर की चोट का दर्द मैं खुद नहीं सहूंगा, मेरी समझ में नहीं आएगा बजरंग, मैं आदमी नहीं बन सकूंगा। यह से ज्यादा बढ़ता जा रहा है। एक तो कामकाज करता नहीं और ऊपर से झूठ बहाना करता है कि मेरी औरत बीमार है। मालिक, इसे 20 हंटर मारना चाहिए। सरदार तो हंटर के बिना बात ही नहीं करता। तुम बोलो मालिक, घर में औरत बीमार है, काम में कैसे जी लगेगा? क्या वो काम नहीं है? ये ले, बैठे। और जहाज तुझे छुट्टी है। मालिक की जय हो। नहीं 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 मालिक, हंटर सहकर झूठ और काम चोरी कर सकता हूं, लेकिन तार पाकर बेमानी नहीं कर सकता। मेरी औरत बीमार नहीं है मालिक, डर के मारे झूठ बोला था। ये पैसे लीजिए, आज दिन भर लगकर दूना काम करूंगा, खुश करके इनाम लूंगा। नहीं नहीं मालिक, हंटर सहकर झूठ और काम चोरी कर सकता हूं, लेकिन तार पाकर बेमानी नहीं कर सकता। मुझे मारोगे क्या? लेकिन हंटर से नहीं। राम कसम, अब श्री रामचंद्र जी शिवधनुष जरूर तोड़ेंगे। सियावर श्री रामचंद्र की जय। छाती पर सांप लौटने लगा। चाची गुलाबी ठीक कहती है, फिर भी मालिक हमारा था, हमारा ही रहेगा। अरे तुम सब इसके चक्कर में पड़े हो। ये दिखती कुछ है, करती कुछ है, ये औरत नहीं नागन है। नागन, इसका दसा हुआ बचता नहीं। देख चाची, मेरा नाम मती ले बीच में। अरे चुप, तेरा क्या, मैं तेरे बाप का भी नाम लूंगी। तेरे कलेजे में जो आग की भट्टी भबक रही है उसे मैं अच्छी तरह जानती हूँ। पर याद रख, उस देवी का मुकाबला तू 7 जन्म भी नहीं कर सकती। हाँ, होश में बात कर, बुढ़ी कहीं की बुढ़ी, बुढ़ी तू, बुढ़ा तेरा बाप, बुढ़ा तेरा कुटुंब कबीला। अरे काम तोड़ के तुझे भी नर्री बुढ़िया बना दी। मालिक तो वो जा रहा है, रोक सको तो रोक लो। देखो मालिक, इन लोगों की बात को ठुकराना नहीं चाहिए। मेरे कसम, लो मालिक, अच्छी बात है, लेकिन पहले तुम फिर हम। क्या मालिक की जय, मालिक की जय।
तुम ऐसे क्यों देख रही हो? ये ना सोचो कि मैं अपना वादा भूल गया। वैसे यकीन करो मैंने ज्यादा नहीं किया। देखो कमाल है, तुम्ही ने मारा और तुम्ही रो रही। मैंने कितनी बार कितने लोगों को मारा मगर मैं तो कभी नहीं रोया। मत रो माला, मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। बच्चों मत आओ मेरे पास, जाओ पियो जाके शराब, बनो जानवर और चिल्लाओ, खाओ पियो जियो। मैं आज तक किसी के पास नहीं गया, आज पहली बार तुम्हारे पास आया। मैं भी तुम्हारे पास इसलिए आई थी कि तुम मेरी बात मानोगे। मैंने तुम्हें आदमी बनाने की कोशिश की, सब कुछ छोड़कर अकेली इस जंगल में आके रही, लेकिन जिसे मैं जीत समझ रही थी वो मेरी हार साबित हुई। यही हार तो तुम्हारी जीत है। तुमने मुझे नहीं मारा है बल्कि मेरे अंदर जो जानवरपन है उसको मारा है। मैं अपनी गलती मानता हूँ। तुम में वो खून नहीं जो तुम गलती मानो, तुम्हारी रगों में तो बारूद भरी हुई है। अब वही बारूद तुम्हारे प्यार और मोहब्बत की बारिश में बहकर फूल जाती है। कैसे मालूम, तुम दूसरों का दुख दूसरों का प्यार कुछ नहीं समझ सकते। भूल जाओ कि भगवान ने तुम्ही को सब कुछ बनाया है, राजा मालिक हाकिम। समझो कि तुम सिर्फ आदमी हो, इंसान हो। तभी मैं तुम्हारी बन सकूंगी, प्यार प्यार कर सकूंगी तुमसे। तुम मेरी हो माला और हमेशा मेरी रहोगी, मेरी रहोगी। नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा माला। तुम जिस दुनिया को भूले हुए थे उसकी याद दिलाना और तुम्हें उसमें वापस लाना ही मेरी कसम थी। मेरी कसम पूरी हो गई, अब मैं नहीं ठहर सकती। तुम मुझे छोड़ के चले जाओगी माला? क्या इसीलिए मुझे जैसा गवार जंगली को आदमी बनाया था? मैं सही रास्ते पर आने से पहले भटक जाऊंगा माला, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। हम दोनों के रास्ते अलग हैं, तुम्हारा घर अलग मेरा घर अलग। नहीं माला, मेरा घर सिर्फ तुम्हारा दिल है। तुम नहीं समझते, तुम मर्द हो मैं औरत, हम दोनों का एक साथ में रहना ठीक नहीं। समाज दुनिया इसकी कोई मंजूरी नहीं दे सकता। मैं किसी की परवाह नहीं करता हूं, ना समाज की ना दुनिया की। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। हां माला, यकीन मानो मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं, आज इसी वक्त। शादी के बारे में मैंने तो कभी सोचा ही नहीं। तुम अब भी मत सोचो माला। देखो मां, मैं हमेशा हुक्म देता रहा और हुक्म देकर हर चीज हासिल करता रहा। मैंने कभी किसी के सामने ना हाथ फैलाया है और ना सर झुकाया है, और आज आज पहली बार तुमसे कुछ मांग रहा हूं माला। मेरी बात रखो माला, ना मत कहो। माला माला
कोई ना हो, बस हम और तुम। भगवान का मंदिर? हाँ, भगवान की मूर्ति पर एक फूल तुम चढ़ाओ और एक मैं, फिर आंखें मिलाकर तुम कहो कि तुम मेरी और मैं तुम्हारा। जंगल में शादी का यही रिवाज है। जालम लगती है जालम, ऐसी कि देखूं तुझे और नशा चढ़े मुझे। थोड़ी बातें मेरे लिए, इतना होता तो मेरा एक काम ना करता। अरे कह के तो देख, तेरे एक इशारे पर तारे तोड़कर ले आऊं और तेरे जूड़े में वेनी बना के सजा दूं और चंदा का शीशा तेरे सामने रख दूं ताकि तू अपनी प्यारी प्यारी शक्ल उसमें देखे और वो बेचारा शर्माए। चल चल, ऊपर आसमान का क्यों जाता है, पहले नीचे तो निपट ले। हाँ हाँ, बोल के तो देख। सच्ची? कसम खाऊं? नहीं, मुझे भरोसा है। सुन। अरे ये कौन सी बड़ी बात है, मैं तो समझा कि कोई बहुत बड़ा कमाल कर। अरे ये तो चुटकी बजाते का काम है, मैं तो भगवान से नहीं डरता, तो मालिक की क्या दिशा है, ऐसा चक्कर दूं कि महीनों गायब रहे। बोल तो आज रात को, मगर हाँ धोखा तो नहीं देगी ना मुझे। कसम खाऊं? मुझे भरोसा है।
देख लिया मालिक, तुम्हारी वजह से इतने आदमियों की जाने गई हैं। अपनी परवाह नहीं पर दूसरों का तो ख्याल किया होता, लेकिन अब सोचने से क्या होता है, जो होना था सब हो गया। पुलिस आ गई, कोई परवाह नहीं, तुम यहां से चले जाओ। मैंने तुम्हारा नमक खाया है, तुम्हारा गुनाह अपने सर ले लूंगा। थानेदार जी, आप यही जानना चाहते हैं ना कि इतने आदमियों की मौत कैसे हुई? हाँ, कौन है इसका जवाबदार? मैं वफादार आदमी हूं, मर जाऊंगा पर कभी नहीं बताऊंगा। यहां तो रोज ऐसे ही होता है, पर यहां किसी मामले में मालिक की गलती नहीं मानी जाती। ठीक ठीक बोलो, क्या मामला है? ठीक तो बोल रहा हूं सरकार, गलती मालिक की है, पर मालिक हमारा राजा है और राजा का दोष हम अपने सर पे लेते हैं, इसीलिए हमें दोषी मानकर सजा दीजिए। मेरी गलती अपने सर लेने की कोई जरूरत नहीं है चक्कू। दरोगा साहब, यहां जो कुछ हुआ है मैंने किया है, इन सब की मौत का जिम्मेदार मैं हूं। यहां ऐसा होता जाता है, मैं हमेशा आदमियों की जिंदगी से खेलता। मालिक, मालिक, दरोगा जी, ये तो एक्सीडेंट है। मालिक, ये क्या कर रहे हो? जानबूझ के ऐसा कोई नहीं करता। फिर भी दरोगा जी, अगर तुम समझते हो तो असली खूनी कातिल मैं हूं, मैं ही इन सब से काम लेता हूं। मालिक को क्या मालूम ये सब, असली जिम्मेदारी मेरी है। मैं कह चुका हूं किसी को मेरा गुनाह लेने की जरूरत नहीं है, मेरे ऊपर बात करने का किसी को हक नहीं है यहां पर। मैं यहां का मालिक हूं, जो कुछ हुआ है मेरी वजह से हुआ है। मैं अपना गुनाह कबूल करता हूं, मैं खूनी हूं। तो तुम्हें हमारे साथ जंगल की पुलिस चौकी चलना होगा। चलिए, मैं तैयार हूं। किया तुमने, तुम्हारे दिखाए हुए रास्ते पर चल रहा हूं मैं। मालिक को क्या हो गया, एक ही बात को दोहराते रहे कि गलती मेरी है, सजा मुझे मिलनी चाहिए। अब मालिक 6 महीने के बाद ही आ सकेंगे। जो सुना वो सच है। हाँ माला, अमर ने बड़ी नादानी की, बड़ा पागल था। ये चिट्ठी दी, माला मैं तुमने जो सिखाया वही मैंने किया, सच्चाई नहीं छोड़ी, सबके सामने गुनाह। 6 महीने तुमसे दूर रहूंगा, पर कहते हैं कि दूर रहने से प्यार बढ़ता है। मैंने पहली बार सोचा कि मैं भी आदमी हूं, सबसे बड़ा नहीं सबसे छोटा आदमी हूं, इसलिए कहता हूं कि जब तक मैं वापस ना लौटूं वहीं रहना, क्योंकि अब मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकूंगा। अगर तुम मेरी बात ठुकरा के चले गई माला, तो तुम्हारी जीत हार बन जाएगी, तुम्हारा अपना। जानवर से आदमी बना दिया और इन कमीनों ने तुझे यह बदला दिया।
घबराना मत बिटिया, मेरे जीते की तरह कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं इन सबको देख लूंगी, इन सबको देख लूंगी, तुम देखना, मैं इन सबको देख लूंगी। जंगल, ये घर, जैसे कोई काटने को दौड़ता है। कितना खौफनाक, कितना डरावना। तुम्हारे मन में तो पहले से ही डर भर गया है मालकी। एक तो जंगल का मामला, दूसरे अकेलापन, भरम हो गया है तुमको। नहीं गुलाबी, मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। छोड़ो इन बातों को, बेकार मन मत छोटा करो। तुम काहे को ऐसी भूत प्रेतों की बातें सोचती हो? लोग सुनेंगे तो हंसी उड़ाएंगे तुम्हारी। गुलाबी, गुलाबी, तू किसी से कहना मत, लेकिन मैं सच कहती हूँ। ऐसा लगता है जैसे कोई मुझे मार डालना चाहता है। पर क्यों, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? तुम डरो मत मालकिन, सीता माता को भी राक्षस लोग ऐसे ही डराते थे, पर उन्हें कोई परवाह नहीं की। तुम अपने मालिक का ध्यान करो, तुम्हारी सेवा के लिए सेवक बजरंग हाजिर है। बस बस, सुन लिया मालकिन? खड़े क्यों हो, खिसको यहाँ से, नहीं तो तुमको भी भूत लग। बाप जय बजरंग, जय बजरंग। क्या है? नहीं तो देर होती है ना, तुझे मालूम नहीं मुझे मालकिन के साथ रहना पड़ता है। हाँ हाँ बाबा, ये तो मालूम है, इसीलिए तो कह रहा हूँ कि तेरा चाह पूरा कर दिया, अब मेरा हिसाब साफ कर दे। अरे बेकाबू क्यों होता है, जब चुकाऊंगी तो एक ही बार मैं सब चुका दूंगी। मगर कब? मौका आने दे, सब बता दूंगी। माला को हर हालत में अमर का इंतजार करना था। माला एक पढ़ी लिखी होशियार लड़की होती हुई भी ये खौफनाक जंगल, इतने बड़े मकान का सूनापन, अजीब सा माहौल का शिकार बनकर उस बिचारी की हालत क्या से क्या हो गई। विधवा हो जाएगी।
तू कहां चली गई थी मुझे छोड़कर? तू तो जानती है कि आजकल मुझे अपनी छाया से भी डर लगता है। तुम तो बेकार का डर लेके बैठे हो मालकिन। जब से मालिक गए हैं देखो कितनी दुबली हो गई हो। पर अब काहे की फिक्र, अब तो मालिक के आने में थोड़े ही दिन रह गए हैं। तब तक जिंदा कैसे रहूंगी? तू नहीं जानती बीवी रातें कैसे बिताई है मैंने। अब मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ लेकिन कोई मेरी सुनता ही नहीं। कोई सुने तो तब जब तुम कुछ कहो, आखिर मालूम तो हो के होता क्या है। अच्छा मालिक मैं अब जाती हूँ फिर आऊंगी। समझ में नहीं आता क्या मामला है, जब से मैं लौट कर आया हूँ तुम्हें इसी तरह परेशान देखा है। आखिर ये कब तक चलेगा माला? इस तरह मनी मन जलने कुड़ने से क्या मिलेगा तुम्हें? कुछ न मिले, मिल सके तो मौत मिल जाए। माला मदन बाबू ऐसा मत कहिए, भूत और पिशाच तो राम जी के वक्त में भी थे और राम कसम भूत और शराब एक बार चढ़ने के बाद उतरने का नाम ही नहीं लेती। बंद कर अपनी ये बकवास, आराम कर। घबराओ नहीं मालकिन, मैं सवेरे ही बजरंग की जब से भूत प्रेत उतारने का बंदोबस्त कर देता हूँ। हाँ है क्या उसमें? की पुकार है। मैं क्यों बोलूं कि जग्गू ने ठीक कहा, नहीं तो कल यही कि मैं ही मालकिन के साथ रहती हूँ सब देख सुन के मैंने ही कहा होगा। मतलब ये कि मालिक के घर में पाप है? हाँ चाचा ये शहर का हिसाब है, दोस्त बन के आया और भूत बन के जा। अपना मालिक तो बेचारा जंगल का सीधा साधा और ये दोनों शहर के मिल के चाल खेले। मालकिन का क्या कसूर? औरत जात अकेले रहना। 16 आने पक्की बात कही गुलाबी ने। अब तो यही है कि पैसा मालिक का और दिल मदन का दोनों मिल गए चट्टे बट्टे। मतलब ये कि इन्हीं के पाप से मालिक जेल गया और दोनों का रास्ता साफ हो गया। क्या बक रहा है चक्कू तू? बहुत हद से बाहर हुआ जा रहा है तू। मालिक का हंटर तुम लोग इतनी जल्दी भूल गए? अरे अब हंटर कहाँ सरदार, मालिक ने तो हंटर जाने से पहले ही फेंक दिया था। मांग करो चल के अपना अपने काम पर लगो, उठाओ जाओ यहाँ से। अब काम कब तक रुकेगा सरदार? मुझे यहाँ से ले चलो, मुझे यहाँ से ले चलो। ये तुम कैसी बात कर रही हो, क्या हो गया तुम्हें? क्या मालूम मुझे क्या हो गया, ठीक तो हूँ पर मुझे यहाँ से ले चलो, मुझे यहाँ से ले चलो। बात क्या है? बात तुम अभी नहीं समझोगे मालिक, धीरे धीरे सब मालूम हो जाएगा। हाँ गुलाबी तू ही इनको सब। क्यों नहीं बताती क्या बात? अभी आराम करने दो मालकिन को, नहीं तो इनका जी और खराब हो जाएगा। आओ मालकिन सो जाओ चुप से। अब तक तुमने मुझे ये सब कुछ बताया क्यों नहीं? मदद मैं बताना चाहता था अमर। बुलाई हे मालिक। माला कहाँ है? वहीं होंगी जहाँ होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए? मुझसे क्या पूछते हो, लोगों से पूछो जो कहते हैं। क्या कहते हैं? यही कि माला का होना चाहिए अपने मर्द के गले में, पर माला के मोती तोड़ तोड़ कर कोई दूसरा ही पिरो रहा है। क्या मतलब? मतलब पूछो अपने दोस्त से, जाते वक्त उन्हीं के हाथों में सौंप गए थे ना। नागिन की तरह जहर फैलाने की कोशिश को कर रही हो। मालिक नागिन ही देखना चाहते हो तो उधर देखो। शर्म के मारे कैसे उन्हें सूरत दिखाओ, रात की बात सोचकर ऐसा लगता है कि खुद मुझे अपने आप से नफरत हुई जा रही है। ये क्या पागलों जैसी बातें कर रही है? ज्यादा दिन यही हाल रहा तो मैं सचमुच पागल हो जाऊंगी, मर जाऊंगी। माला माला
माला। ये क्या हालत बना रखी है हमारी? क्या हो गया है तुम्हें? हमारा तो तुम्हारे सिवा कोई नहीं है। तुम भी ऐसी रहोगे तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। कुछ बर्बाद नहीं होगा। पहले दिन जब तुमने मुझे ये कुल्हाड़ी दी थी तो मैंने एक लट्ठे को काट के दो हिस्सों में अलग कर दिया था, और इंसान का सबसे कीमती और सबसे मजबूत खून का नाता हमेशा के लिए तोड़ दिया था। उन बातों को याद करने से क्या होता है मालिक? जो बातें भुला दी जाती हैं उन्हीं की याद आती है। छोड़ो इन बातों को। इतने दिन तुम्हारी गैरहाजिरी में मैंने काम चलाया, आगे भी चलता रहेगा मालिक। पर पहले अपनी परेशानी को दूर करो। मालकिन की उलझन भी तो तुम्हारी उलझन है। वो मेरी निजी उलझन है। अब काम कभी किसी के लिए बंद नहीं होगा। काम के लिए अगर मुझे कोई कुर्बानी भी करनी पड़े, अपनी सबसे प्यारी चीज को भी ठुकराना पड़े, तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। अब तुम लोगों को छोड़कर किसी के लिए कभी कहीं नहीं जाऊंगा। जाओ काम करो। शेर की तरह कड़ा और रात में बच्चों की तरह भोला हो जाता था। अब तो ना दिन में हंटर ना रात में खाओ पियो जियो। जब अपने आप पर बीतती है तब पता चलता है। अरे मामूली बात हो तो कोई बात नहीं, अपनी औरत दूसरे के साथ रहे तो पत्थर दिल भी आधा हो जाता है। शहर के चट्टे बट्टे मिल गए और मालिक को दूध की मक्खी की तरह अलग कर दिया। काटना है तो जड़ से काटो, चाहे जंगल का हो चाहे घर का। चली जा यहाँ। मैं चली जाऊं छुप भी रहूं, पर सारा जंगल बोल रहा है, किस किस को रोकोगे? हीरा समझ के कांच रख लिया घर में, पैसे के लिए प्यार दिखाया तुमसे और दिल के लिए प्यार किया मदन से। जवाब दे, असलियत देखनी है तो जाके देखो अपने घर में। इस तरह रोने परेशान होने से कोई फायदा नहीं माला, हिम्मत से काम ले। मदन मदन तुम मुझे यहां से ले चलो। दोस्ती इस तरह निभाई जाती है? क्या मतलब? औरत बेवफा हो सकती है,
लेकिन दोस्त भी दगा दे सकता है, ये कभी नहीं सोचा था। ये तुम क्या कह रहे हो अमर? पाप करना हो तो खुल के करो, छिप के नहीं। ऐसा नीच इल्जाम लगाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? मुझे या तुम्हें? अमर, तुम दोस्त हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम जो चाहे कहो और मैं चुपचाप सुनता रहूं। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता ना, उसकी जबान खींच लेता। खामोश। अमर, अगर दोस्ती का नाम बीच में नहीं होता तो यहाँ तुम्हारी लाश नजर आती। मदन, अमर, ये क्या पागलपन है? किसने तुम्हारे दिमाग में ये शहर भर दिया है? हट जा। अच्छा होता मैं तुम लोगों के झूठी इंसानियत चक्कर में ना आया होता। तुम इंसान बने ही कब? तुम जानवर थे और हमेशा जानवर ही रहोगे। अब मैं तुम जैसे बेगैरत की शक्ल भी देखना नहीं चाहता। मदन, ये क्या कर रहे हो तुम लोग? मेरे लिए इतनी गहरी दोस्ती बिना बात तोड़ रहे हो? मैं भगवान की सौगंध खा के कहती हूँ, मैंने कोई पाप नहीं किया। तुम समझने की कोशिश करो। सवेरे का सूरज देखना हो इसी वक्त चला जाओ यहाँ से। मालिक, अरे अरे मालिक आ गया। कहाँ गया तुम लोग? चंदू, अरे कालुआ, बच्ची, आ जाओ। मालिक आ गए? तुम्हारे बिना ये पीपा भी सूख गया मालिक। जहाँ तुम नहीं वहाँ जिंदगी क्या? खाक, पत्थर। मालिक, तुम्हारे बिना ना खुशी है ना सुख है, ये सारी दुनिया सोनी की सोनी। कुछ नहीं, दुनिया में मोहब्बत, दोस्ती, रिश्ता कुछ काम नहीं आते। असली जिंदगी है, खाओ, पियो और जियो। गुलाबी, 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 मालिक आ गया। गुलाबी, गुलाबी, तू यहाँ छिपी खड़ी है और वह मालिक आ गया है। किसका मालिक? अब वो अपना नहीं, किसी और का हो गया। अरे रो तो गया था मगर अब तो वापस आ गया है ना। चल बेटा, उसे खुश करने के लिए नाचेगा। चल। मैं नहीं जाऊंगी। नहीं जाऊंगी। कल क्या होगा ये होश किसे, कल क्या गुजरी कुछ याद नहीं, सब छोड़ के आया हूँ पीछे, भूली बिसरी कुछ याद नहीं। गुलाबे, क्या है दफा करो और ठोकर मारो। हाथ है तो प्यारे मुख पे दर्द क्यों हो, आज की हंसी में कल का दर्द क्यों हो। हाथ है तो प्यारे मुख पे दर्द क्यों हो, आज की हंसी में कल का दर्द क्यों हो। कल की बात कल, कल की बात कल है कि देख यही पल है, कल की बात कल है कि देख यही पल है। हर खुशी दुनिया का है, दफा करो ठोकर मारो अदा करो। सुबह के भटक पेशा
माला, दोस्ती के बीच गलतफहमी की दीवार खड़ी हो गई है, फिर भी मैं अपने सर पर खतरा लेकर यहाँ रुक गया इसलिए कि तुम्हारा छुपा हुआ राज मालूम कर सकूं, वरना अमर इस तूफान में कहीं का कहीं बह जाए। तुम जाओगे तो नहीं? मुझे तुम्हारा ही सहारा है मदन। नहीं जाऊंगा, लेकिन तुम्हें भी तो यह सोचना चाहिए कि तुमने हर तरह की तकलीफें सहकर सब कुछ छोड़कर यहां अकेली रहकर अमर के दिल में इंसानियत का जज्बा पैदा किया, उसे आदमी बनाया, और अब तुम्हें उसे मजबूर कर रही हो कि वो फिर से जानवर बन जाए। मैंने क्या किया? मैं तो सचमुच चाहती हूं कि वो सही रास्ते पर रहे, लेकिन लेकिन मेरे बस में कुछ भी नहीं है। क्या करूं मैं? मुझे तो डर लगता है। फिर वही, तुम्हारे इसी रवैये की वजह से अमर ने फिर से शराब पीनी शुरू कर दी। वही माहौल, वही पुराना रास्ता है, वो फिर से जान नहीं, 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 ऐसा मत कहो तुम। मेरी जान भी चली जाए तो मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मदन, तुम जैसा कहोगे वैसा ही करूंगी मैं। ठीक है, मुझे पूरा शक है इस मामले में जरूर किसी की चाल। मैं आज ही रात को तुम्हारी मदद से असलियत मालूम करने की कोशिश करूंगा। हिम्मत ना हारना, मुझ पर भरोसा रखना। गया था पर अब ठीक हो गया। कह देती हूँ, ये जो तू कर रहा है ये जीत नहीं हार है तेरी। मैं सब पता लगा लूंगी ये किसकी करतूत है। दूध का दूध और पानी का पानी अलग ना कर दिया तो चाहती ना कहना मुझे। हाँ, ना जाने मालिक को क्या हो गया, पहले बिगाड़ता था तो बना भी लेता था, लेकिन अब तो उसके सर सिर्फ बर्बादी का पागलपन सवार है। तू तो होगा ही, ये सब मालकिन का कसूर है। क्यों नहीं, सावन के अंधे को और क्या सूझेगा। सब के सब हाथ धोकर मालकिन के पीछे पड़ गए। अरे जरा तो सोचो, वो बेचारी खुद आत्मरी सी हो गई है। ये तो किसी के जलन का जहर फैल रहा है। कह देती हूँ, इसकी रोकथाम जल्दी ना हुई तो ये सबको निगल जाएगा। लेकिन चाची, ये रोकथाम करेगा कौन? तुम। जंगल में पूजा करनी होगी, देवी को बुलाना होगा, पल भर में पता चल जाएगा कि दोष किसका है। जाओ बुलाओ बड़े जंगली महाराज को। बड़े जंगली महाराज? हो चाची, बड़े जंगली महाराज को बुलाना कोई आसान काम नहीं। आसान बनाना होगा। Thank you.
रहा है।
गुलाबी। जग्गू मुझे बचा। ये तुझे क्या हुआ गुलाबी? जग्गू मैं मरते मरते बची। इसे मेरे हवाले कर दो, मुझे इससे जवाब तलब करना है। नहीं नहीं, मैं इसके पास नहीं जाऊंगी, मैं इससे बात ही नहीं करना चाहती। मामला क्या है? ये बुरा आदमी है, इसकी नीयत खराब है, इसने मालकिन को फंसा कर बर्बाद किया है और अब मुझे भी अपने चंगुल में फंसाना चाहता है। ये देखो। झूठ झूठ, सबूत में खून सामने। ये बकवास करती है। बकवास? अभी बताता हूँ बकवास। बदमाश, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी, औरत पर बुरी नजर रखता है और अपने आप को सच को झूठी बनाता है। आज छोड़। मदन, मालकिन शहर की औरत है इसलिए तुम्हारी बातों में आ गई, हमारी औरतें ऐसी नहीं है। क्यों? माला की इज्जत पर कीचड़ उछाला तो मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगा। तो हम किसका सर फोड़ता है बताऊं? चक्कू इधर आओ। सरदार, किसने गुलाबी के साथ? मैंने सब सुन लिया है। मदन, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, हम जंगली गांव से ही लेकिन अपनी औरतों के आबरू के लिए जान पर खेल जाते हैं। इसने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया है, क्योंकि इसकी कलाई मेरे सामने खुल गई है इसलिए। नहीं जग्गू, ये झूठ बोलता है। झूठी बदमाश, तू वाला घट जा, गुलाबी खड़ा रह जा। तुम लोगों ने मेरे दोस्त पर हाथ उठाने की हिम्मत की? और इसने जो हिम्मत की उसका पता तुम्हें नहीं मालूम? सब पता है मुझे, मैं सब कुछ जानता हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा। तुम्हारी आंखों पर तो दोस्ती की पट्टी बंधी है। जग्गू, तुम अपने दोस्त को बचाने के लिए जंगल का कानून बदलना चाहते हो। हम लोग बहुत दिन से बहुत कुछ देख रहे हैं, सह रहे हैं। वो चाहे कोई भी हो, अगर हमारी इज्जत आबरू पर हमला करेगा तो हम उसे चीर दें। इन लोगों के साथ तुम्हारा दिमाग भी खराब हो गया है। यहाँ का मैं मालिक हूँ, यहाँ मेरा हुक्म चलता है, जो मैं चाहूंगा यहाँ वही होगा। आज तुमने मुझ पर हाथ उठाया, ये हाथ किसी और का होता तो मैं इसके टुकड़े टुकड़े करके फेंक देता। लेकिन तुम, जिसे इन हाथों ने पाला पोसा, बड़ा किया, राजा बनाया, तुम्हें सर आंखों में बैठा कर इन सबको तुम्हारा ताबेदार बनाया, इसलिए नहीं कि तुम देखते रहो और हमारी इज्जत आप लूटती रहे। तुम मुझसे मुकाबला करना चाहते हो? जो भी समझो, लेकिन मालिक और नौकर का हमारा ये रिश्ता तभी फिर से जुड़ेगा जबकि दोनों यहाँ से चले जाएंगे। वो यहाँ से नहीं जाएंगे। यही फैसला है तुम्हारा? ये मेरा हुक्म है। हम भी देख लेंगे, आदमी जिसे बनाता है उसे तोड़ भी सकता है। तुम लोग काम करने के लिए हो, करो या छोड़ के चले जाओ, लेकिन मेरे फैसले में दखल देने का तुम्हें कोई हक नहीं है। पछताओगे मालिक, तुम गलती कर रहे हो। अब हम तुमसे दबकर नहीं रहेंगे, अपनी आबरू के लिए अपनी जान पर खेल जाएंगे। जिस जंगल को मैंने स्वर्ग बनाया था उसे इन्हीं हाथों से जलाकर राख कर दूंगा। अमर, ये सारा फसाद हम लोगों के लिए ही हो रहा है। कहा मानो, हमें जाने दो यहाँ से। नहीं, जो मैं सोचता हूँ वही करता हूँ। लेकिन ये क्यों नहीं सोचते कि तुम अकेले हो और वो इतने लोग हैं? अकेला आदमी फिर के पागलपन का सामना कभी नहीं कर सकता। मैं उनमें से नहीं। इतने अरमानों से, प्यार से, जो ये सब कुछ बनाया है तुमने, इसे हमारे लिए बर्बाद मत करो। परवाह नहीं, बर्बाद हो जाए, लेकिन जो सच है मैं उसी को मानूंगा। उन सबके दिमाग भड़क उठे है, तुम अकेले क्या करोगे? हमें जाने दो यहाँ। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, तुम्हारे बगैर मैं जी नहीं सकूंगा। माला, जानती हूँ, फिर भी जाने के लिए कह रही हूँ, क्योंकि सबकी भलाई इसी में है। भलाई और बुराई में खुद मैं सोचता हूँ, लेकिन तुम्हें जाने दूंगा ना मदन। तो क्या मैंने जान लिया है कि पैसा, पैसे की कीमत, जिम्मेदारी और सबसे ज्यादा प्यार के करीब एक था। वो लोग क्या करते हैं, मैं उनका मुख। मैं उन लोगों के खून से बुझाऊंगा।
वो लोग वापस से बाहर होते वहां जाना खतरे से खाली नहीं। अमर अमर जितना करो मान जाओ। अमर मैं अपना फैसला कभी नहीं बदलता हूँ। किसके इशारे पर दखल दिया है तुम लोगों ने मेरे फैसले पर? कैसे हिम्मत की तुम लोगों ने मेरा रास्ता रोकने की? हट जाओ। याद रखो मेरी मर्जी के खिलाफ इस इलाके में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। कौन है जो मेरा मुकाबला करना चाहता है? कोई ऐसा जिसे अपनी जिंदगी भारी मालूम करने लगी है? जिसे ही रहना है वो खुशी से यहां से चला जाए। मैं किसी की धमकियां सुनने का आदि नहीं। आप इसे बाहर मत हो अमर। मालिक और नौकर का रिश्ता टूट चुका है। Thank you.
के मरने से पहले कम से कम एक बात। माला, माला होश में आओ, होश में आओ माला, माला, माला होश में आओ, उठो। मालकिन, आदमी और जानवर की लड़ाई में तू सचमुच जीत गई, जीत गई। मैं इसी दिन के लिए जिंदा थी। ये जानवर सब आदमी बन जाए और मैं सुख से मर सकूंगी। मालिक, तुम हमेशा की तरह मालिक बन और ये मालकिन बनकर हम पर राज कर। ना तुम हमें छोड़ के जाओगे, ना हम तुम्हें जाने देंगे। ना जा रहा हूँ, ना गया था और ना जाऊंगा। वीरावर श्री रामचंद्र की जय, बजरंग की जय। मेरी जय कोई बोलता ही नहीं, बोलो बजरंग की जय।